हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स। आज जो बुक आई है वो है इसरो साइंटिस्ट एवं इंजीनियर की है, सॉल्ट पेपर्स रहेंगे। ये इसरो मींस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिकल एवं आरएसी की है। सॉल्ट पेपर्स में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम की एनालिसिस मिलेगी और 10 ईयर के सॉल्ट पेपर्स आपको मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। लैंग्वेज जो होगी वो आपकी इंग्लिश की होगी। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट vicitybooks.com से परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आप नंबर में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अमेजोन और फ्लिपकार्ट का मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से मंगाना चाहते हैं ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको बुक्स मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन वाईसीटी बुक्स मिल जाएगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस बुक में कौन कौन से ईयर के सॉल्ट पेपर्स हैं और क्या है सभी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें इसरो की जो वैकेंसी आती है उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहला जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी मैकेनिकल में और आरएसी में है, दोनों में वैकेंसी आई हैं। डिटेल दिया गया है, जॉब लोकेशन दी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। सिलेबस देखना चाहें तो सिलेबस हम देख रहे हैं कि टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग 1 होगी, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि मैक्सिमम आप 240 नंबर पा सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी बढ़िया से कीजिए। इस बुक में आपको मिलेंगे सबसे पहले इसरो मैकेनिकल का सिलेबस मिलेगा, उसके बाद इसरो मैकेनिकल के आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस चार्ट मिलेंगे जो आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। उसके अलावा मैकेनिकल आरएसी के 3 सॉल्ट पेपर्स मिलेंगे और साइंटिस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपको 14 पेपर आपको मैकेनिकल के 2006 से लेकर 2018 तक के सॉल्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। लैंग्वेज इंग्लिश में होगी, बायलिंगुअल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पे एनालिसिस दिखाया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 2006 से लेकर 2016 तक देखा जाए, 18 तक, तो हर साल 11, 10, 9, 5, 8, 11, यानी कि लगभग मैक्सिमम 11 नंबर तक पूछे गए हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मैक्सिमम 8 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से 20 नंबर तक के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा चुके हैं। थ्योरी ऑफ मशीन से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाइब्रेशन से 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए। मशीन डिजाइन से आपके 9, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लूड मैकेनिक्स से आपके 23 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 में। तो फ्लूड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आईसी वगैरह से इन सबसे माइनर टॉपिक्स हैं। फ्लूड मैकेनिक्स आपको मेजर टॉपिक्स में आता है। हीट ट्रांसफॉर्मेशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से 14 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स हो गए। इसमें आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किस पे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, किस पे ज़्यादा टाइम देना होगा। इसलिए एनालिसिस चार्ट हमने प्रोवाइड करवाया आपको। अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो ये आरएसी मैकेनिकल लास्ट ईयर जो हुआ था सॉल्ट पेपर वो है। पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है टू कंसिस्ट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बी ऑप्शन है वन कांस्टेंट आइसेंथैल्पिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वन कांस्टेंट प्रेशर, वन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू कांस्टेंट आइसोथर्मल। आंसर सी है। सी के बाद हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ फिगर भी दिखाया गया है, क्योंकि पढ़ाई की अगर सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है तो फिगर काउंटिंग होती है। फिगर से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो जितने क्वेश्चन में हो चुका है हमने अधिक से अधिक क्वेश्चन में फिगर दिखाया है। पहले क्वेश्चन में फिगर है, चौथे क्वेश्चन में फिगर है, यहाँ फार्मूला दिखा दिया गया है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है इसरो की तैयारी करने के लिए, क्योंकि फिगर जब रहेगा सही चीज़ समझ में आएंगी। फार्मूला दे दिया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें आपको समझने में आसानी होती है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत जैसी पड़ी वहाँ पे हमने सारी चीज़ें इंक्लूड की है। जहाँ फार्मूला फिगर दोनों दिखाया है, कहीं कहीं फार्मूले दिए हैं, कहीं कहीं फिगर दिखाया गया है। अगर देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 72, तो ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ एफ एक्स ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाय 3 फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट लोकेशन सी, यानी कि एक बीम पर क्या दिया गया है, एक आपको कंसंट्रेटेड लोड लगाया गया है एल बाय 3 डिस्टेंस पे, उसमें आपको बेंडिंग मूवमेंट पूछा है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे हमने लोड डिफाइन किया है, उसके बाद बीएमडी यानी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम दिखाया है, उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन पूरा दिया गया है, डिटेल सोल्यूशन है। तो आपको हर क्वेश्चन में ये सोल्यूशंस मिल जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट बुक है तैयारी करने के लिए, बहुत ही अच्छी है। अगर दो बार ये आप रिपीट कर लेते हैं ये बुक, तो
सिलेक्शन के चांसेस आपके 90 से 95% हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू वैकेंसी की, न्यू बुक्स की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी। तो थैंक यू गाइज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।